अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरा शारजा चैप्टर शुरू हो चुका है, तो आज की सुबह एक बहुत ही खूबसूरत सुबह है मेरे लिए। और आज शारजा की फ़र्स्ट रेन, यानी कि मैं जब से शारजा आया हूँ उस दिन से अब तक आज फर्स्ट रेन जो है मैंने देखी। वेदर इज़ सो ब्यूटीफुल, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज का व्लॉग आपके लिए बनाया जाए कि भाई शारजा में बारिश कैसी होती है। अच्छा, बारिश यहाँ भी ना गीली है, ठीक है, तो कोई कुछ नथिंग, कुछ नया नहीं है। तो अभी तो बस मैं उठा हूँ, उठ के मैंने देखा कि वेदर इज़ टू मच हॉट, लाइक यू नो, बारिश बहुत खूबसूरत है। मैं आपको थोड़े से मनाजर दिखाता हूँ ऊपर के, और फिर चलते हैं नीचे, नीचे जाके देखते हैं कि नीचे भी हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे शारजा में। तो मेरे लिए तो बहुत ही एक अमेजिंग कुछ न्यू एक्सपीरियंस होगा। तो बारिश वहाँ भी गीली थी, यहाँ भी गीली है, बट ये शारजा चैप्टर का एक रेनी व्लॉग है। तो हम जाते हैं और नीचे की सिचुएशंस देखते हैं कि हाउ टू सर्वाइव पीपल्स देयर, और सब कुछ वैसा ही है, नॉर्मल, कुछ नया नहीं है। भाई की खुशी देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हाउ मच एक्साइटेड आई एम। तो अब बस चलो नीचे चलो, वरना जो है ना वो अजीब सी फीलिंग्स हो रही है, कुछ बारिश हो रही है और मैं ऊपर बैठा हूँ। ठीक है, नीचे चलता हूँ। फाइनली मैं नीचे आ गया हूँ भाई, और जो है वो वेदर तो बहुत अच्छा चल रहा है, और अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो देखते हैं फिलहाल क्या होगा, और बारिश वही गीली वाली है यहाँ पर, कुछ नया नहीं है कुछ। और अभी मैंने तो वाटरप्रूफ वो भी नहीं लगाया हुआ अपना, तो वाटरप्रूफ वो लगाऊंगा तो उसके बाद ही हो सकता कुछ होगा, लेकिन फ़िलहाल वेदर वॉज टू मच मज़े का। तो अब यहाँ से तो मुझे कैमरा अंदर करना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि मैंने आईफोन में तो वाटरप्रूफ तो है बट, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते ना यार, क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियोस बनानी है, रिस्क नहीं ले सकते। और मेरे भी तो सामने एक रेस्टोरेंट है, जबले पाकिस्तान रेस्टोरेंट कुछ समथिंग करके, तो हम उस पर, लेकिन चाहे मुझे जो है ना वो वहाँ की पसंद है कैफेटेरिया की। तो क्या करें, पहले थोड़ा सा ब्लॉग बनाते हैं, जबले पाकिस्तान की तरफ चलते हैं, थोड़ा ब्लॉग बनाएंगे, और उसके बाद जो है वो कोशिश करेंगे। यार पानी आ रहा है तो कैमरे में इशू आ जाएगा मुझे, क्या कह रहे हैं, मतलब किस तरह चलें। चलो खैर चलते हैं, कैमरा अंदर रखते हैं। द रेन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, और स्लो स्लो जो है ना ये बहुत बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हो। हाँ, इट्स अ रेनी वेदर इन शारजा, बहुत टाइट, बहुत टाइट सर्दी हो रही है यहाँ तो। मुझे लगा था नॉर्मल वाली होगी, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है और बारिश जो है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, मगर कैमरा आई थिंक कैप्चर नहीं कर पा रहा है उन लोगों को, लेकिन कैमरे के ऊपर जो है ना वो बार बार बारिश आ रही है, और आपको ये यहाँ किस नज़र आ सकती है। और जो है ना ठंड बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है, और सामने जबल पाकिस्तान का रेस्टोरेंट है, तो अभी क्या करें, किस तरह जाएँ, मैं बारिश में जा नहीं सकता, बट जो है वो वीडियो बना सकते हैं हम बहुत ज़्यादा अच्छी सी। और शारजा की पहली बारिश भाई, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब मेरी पहली बारिश है, बड़ा बोल रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ दैट के जहाँ मैंने स्टे किया है देर इज़ अ मेगा मॉल, और मैं इंशाल्लाह आपको एक दो दिन में मेगा मॉल घुमाऊँगा, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पर। तो फिलहाल के लिए यही है, लेकिन अब जो है ना मैं उधर जबले पाकिस्तान नहीं जा रहा हूँ, और जबले पाकिस्तान जाने का ना जाने का रीज़न ये है कि अब मैं यहाँ से किस तरह क्रॉस करूँगा, बारिश तेज है और मोबाइल गीला भी हो सकता है। तो नाउ वी आर प्लान टू गाड़ियाँ देखो बस, आप यहाँ एक से एक गाड़ी खड़ी है, और आपका भाई जो है ना वो इस तरह से अपने ब्लॉग को कंटिन्यू रखेगा, लेकिन बारिश जो है ना वो मुझे तंग कर रही है, मतलब बारिश कह रही है कि भाई नो, आपको नहीं जाना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए, आप कैफेटेरिया में ही जाना चाहिए, बारिश मुझे यही कह रही है। वो कह रही है कि जो है ना तुम्हें आगे जाना है, और बिल्कुल भी तंग नहीं करना है अपने आप को, और इस तरीके से। तो दैट इज़ द रीज़न के यहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते हम चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें, हम कैफेटेरिया जाएंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो अब चलते हैं कैफेटेरिया की जाने, और यहाँ पर भी बिल्डिंग्स और बहुत ज़्यादा लाइट्स मौजूद हैं। हाय हाय हाय, द बेस्ट।
देखते हैं क्या अपनी चीज़ें किस तरह हम कर सकते हैं, किस तरह हम अपने मामलात कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स इन शारजा। हम जा रहे हैं कैफेटेरिया, और कैफेटेरिया में हम ऑर्डर करेंगे अपना कुछ, और मेरे ख्याल में हम यहाँ बैठते हैं, ये जगह अच्छी रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ बैठ कर ऑर्डर करते हैं और यहीं बैठ कर अपनी जो ना कंप्लीट वीडियो भी करेंगे और खाना भी यहीं खाएंगे। ठीक है, देयर इज़ अ कैफेटेरिया, यहाँ पे बांग्लादेश के जो लोग हैं उन्होंने कैफेटेरिया खोला हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारी साउथ इंडियन डिशेस भी हैं और बांग्लादेशी डिशेस भी हैं। तो वो तो मैं किसी और दिन एक्सप्लोर करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी है। तो मैंने भी तो यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ें ऑर्डर करी हैं। मैंने कहा कि बारिश का नाश्ता जो होता है वो चाय और अंडा और पराठा होता है, मतलब पाकिस्तान की हम जो सौगात है वो कैसे भूल सकते हैं। तो अभी मैंने इनसे कहा है कि इंशाल्लाह बना देंगे, बता देंगे अपनी चीज़ें, तो उसके बाद ये सब कम। तो पीपल आर वेरी स्मार्ट देयर एंड बहुत ही अच्छे हैं यार लोग, मतलब मज़े के हैं, और एवरीबॉडी स्माइल और मज़ा आ रहा है। तो देखें अब क्या होता है, बारिश की जो सिचुएशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा नज़र आना बंद हो गया, मतलब लाइक ऐसा हो गया। तो ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ की एक बड़ी फेमस डिश है मोटा, मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं अभी मैं जाऊँगा यहाँ तो नहीं स्पाइसी एंड फ्लेवर पे जाऊँगा, वहाँ मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, तो वहाँ स्पाइसी एंड फ्लेवर पे जाऊँगा मैं। तो वहाँ जाकर जो है ना मैं मोटा, एक डिश है मोटा नाम से, वो साउथ इंडियंस भी है उसको, केरला और मैंगलोर, नॉट बेंगलोर, इट्स अ मैंगलोर, इट्स अ केरला बॉर्डर। तो वहाँ के लोग हैं उन्होंने वो, उनकी डिश बहुत अच्छी है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द कराऊंगा। लेकिन अभी चलते हैं अपनी लोकेशन पर, मुझे जो है ना वो यहाँ बैठना है। तो इट्स नॉट सेफ बट ठीक है, चलेगा बारिश। हाँ, नाश्ता करेंगे फिर बात। सो राइट नाउ भाई ऑर्डर इज देयर, और मैंने सोचा था कुछ पाकिस्तानी खाने का इरादा, तो मैंने बिल्कुल यहाँ पे एकदम पाकिस्तानी फूड मंगवाया है, चाय भी आ जाएगी। तो मेरा इरादा था बाहर बैठ के खाने का, मगर वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो वो ऊपर से पानी आना शुरू हो गया था, दैट्स व्हाई आई मूव देयर। और ये है रेस्टोरेंट, और यहाँ पर मैं बहुत सारे लोग हैं उनसे मिलवाऊँगा अभी अभी, और खाना खाने के लिए।